सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 जून 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। माल्टीकली पर मिली व्यापारी की लाश, पुलिस के हरकतों से गुत्थी उलझी। हत्या या आत्महत्या, पुलिस असमंजस में। एसटी रोक कर कंडक्टर को पीटा, घटना साईनगर की, तीन आरोपी गिरफ्तार। क्यों हर बार राजनीति में उलझ कर रह जाती है समस्याएं, चुनावी खिचड़ी पकाने की जोड़ तोड़ में शहर लगा दांव पर। हाई प्रोफाइल शादियों को चालान करेगा आयकर विभाग। और 30 रुपए में मिलता है जाली नोट, 16,000 करोड़ के जाली नोट है बाजारों में। ये थी आज के हेडलाइंस बुलेटिन में। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शासन स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शादियों में होने वाले खर्च को मर्यादित करने यह कदम उठाया गया, जिस पर अमल भी पर्याप्त दिखाई दे रहा है। फिर कई हाई प्रोफाइल शादियां भी हो ही रही है, इस पर लगाम लगाने आयकर विभाग इन हाई प्रोफाइल शादियों के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। शादी पर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वालों सावधान, क्योंकि आयकर विभाग ने हाई प्रोफाइल शादियों में होने वाले खर्चे पर लगाम कसने की मुहिम छेड़ दी है। शादियों के मौसम में शहर का टर्नओवर करोड़ों में होता है, औसतन 450 शादियां हर शहर में होती है। इस दौरान सुवर्ण अलंकार खरीदी, कपड़ा विचायत, मंडप कार्यालय, वाहतुक व्यवस्था आदि का टर्नओवर देखा जाए तो ये आंकड़े सभी को चौंकाने वाले है। अब ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरों में आ चुकी है। जिस शादी में 5 लाख रुपयों से ज्यादा खर्च होगा, उस वरवधु पक्ष से आयकर विभाग रिटर्न वसूलने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। स्विस बैंक में जमा काले धन को लेकर बड़े बड़े हंगामे हो रहे हैं, और ऐसे में ही एक खबर स्विस बैंक ने दी है। यह खबर भारतीयों के लिए बुरी खबर है। स्विस बैंक का कहना है कि अब तक भारत से कितने पैसे स्विस अकाउंट में जमा हुए हैं, ये आंकड़ा अभी जुटा नहीं। हाँ, ये बता दिया है कि वर्ष 2011 के आंकड़े अनुसार भारत से 12,740 कोटि रुपए स्विस बैंक में जमा हुए हैं। स्विस बैंक ने भारत से वर्ष 2011 के अंत तक कितने पैसे स्विस बैंक में जमा हुए हैं, इसकी जानकारी जाहिर की। इस जानकारी के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं। स्विस बैंक ने कहा कि अब तक कितने पैसे जमा हुए इसका हिसाब फिलहाल नहीं दिया जा सकता, हालांकि ये वर्ष का लेखा जोखा बताया गया है। इस आंकड़े अनुसार विगत वर्ष में 12,740 करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारतीयों ने जमा करवाए है। एक तरफ काले धन का मुद्दा उछल रहा है तो दूसरी ओर ये जानकारी अब तक कितना रुपया देश से बाहर गया है इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। भारत में जाली नोटों का व्यापार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये पैसा भी स्विस बैंक में ही जाता है, ऐसी जानकारी है। विश्वसनीय सूत्र तो यह भी बताते हैं कि देश में 16,000 करोड़ के जाली नोट बाजार में चल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि सिर्फ 24 से 30 रुपए में जाली नोट बेचकर उसे असली नोट के रूप में चलाया जा रहा है। महानगर सुधारने की डिंगे हाँकने वाले सिर्फ वोटों की भीख मांगते वक्त ही महानगर वासियों के सामने झुकते हैं, बाद में यह कुर्सी के नीचे भी झुककर नहीं देखते, ऐसी बात हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में होती है। राजनीतिक के चालों में पीसे जाने वाले शहरवासी इन्हीं जनप्रतिनिधियों से उबने लगे हैं। चुनावी खिचड़ी पकाने की जोड़ तोड़ में शहर दांव पर मत लगाओ, ऐसी गुहार महानगर वासियों की है। हमारे महानगर की शान हजारों में है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य मंत्री, कृषि मंत्री, विदर्भ रत्न,
पद्मश्री ऐसे उच्च पदों पर हमारे नगर के प्रतिनिधि है। ऐतिहासिक नगरी के रूप में अमरावती का नाम अजरामर है, लेकिन यही महानगर फिलहाल राजनीति के दाव पर मोहरा बना देखा जा सकता है। जनप्रतिनिधि सत्ता की चाह में और चुनावी खिचड़ी पकाने की गठजोड़ में शहर समस्याओं का सौदा तो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा सवाल महानगर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। अमरावती शहर आधे से ज्यादा तो अतिक्रमण के साए में है, बचे शहर को शायद राजनीतिक हलचले गड़प कर डालेंगी, ऐसी विचित्र स्थिति अमरावती शहर पर आई है। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की पहल करते पुलिस महकमे ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसके बाद शहर की सड़कें पहली बार अपने अपने पूर्ण विस्तारित रूप में देखी गई। पर यह बात शायद शहर के राजनीतिक नेताओं को रास नहीं आई। महानगर से पुलिसिया कार्रवाई रोकने के लिए गृह मंत्री तक से गुहार लगाई गई और गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से कदम पीछे हटा लिए। शहर के समस्या का निराकरण करने की डींगे हाँकने वालों की ये करतूत, वे नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान हो, ऐसी है ऐसा महानगर वासियों का कहना है। अपनी अपनी चुनावी खिचड़ी पकाने की तोड़जोड़ में शहर को राजनीतिक दाव पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसी चर्चा शहर में है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। बीच रास्ते में एसटी बस रोककर कंडक्टर से मारपीट करने के जुर्म में राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे की जांच जारी है। अमरावती बडनेरा मार्ग पर दौड़ रहे एसटी महामंडल के MH14 BTO 870 क्रमांक के बस को साईनगर में रोककर कंडक्टर के साथ मारपीट करने के जुर्म में राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता बस के कंडक्टर गोपाल जनार्दन पांधारकर के शिकायत अनुसार उनके बस का दरवाजा रास्ते से चलते वक्त आरोपियों को लगा था, जिसके बाद रमेश संतोष मान के, संतोष नामदेव राव मान के और प्रकाश मारोटकर इन तीनों ने ये बस साईनगर में रोककर कंडक्टर के साथ मारपीट की। इस शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आगे जांच जारी है। अमरावती महानगर पालिका के विषय समिति में से विधि समिति सभापति विजय नागपुरे का पद ग्रहण समारोह शुक्रवार को हुआ। विधायक रवि राणा के उपस्थिति में महापौर वंदना कंगाले से विजय नागपुरे ने पदभार स्वीकारा। अमरावती महानगर पालिका के विधि समिति सभापति विजय नागपुरे का पदग्रहण समारोह शुक्रवार को महापौर कक्ष में संपन्न हुआ। बडनेरा के स्वाभिमानी विधायक रवि राणा के उपस्थिति में नवनियुक्त विधि समिति सभापति ने महापौर सौ वंदना कंगाले के हाथों पदभार स्वीकारा। नवनियुक्त विधि समिति सभापति विजय नागपुरे का अभिनंदन किया जा रहा है। विधायक रवि राणा ने भी स्वाभिमानी पार्षद को पदभार की शुभकामनाएं दी। विधि समिति सभापति विजय नागपुरे ने भी विधायक कार्यों में सेवाव्रत रहने की मीमांसा व्यक्त की। महानगर पालिकेच्या विधि व न्याय सभापति पदी आज माननीय बडनेरा मतदार संघाचे कर्तव्यदक्ष आमदार रविभाऊ राणा तसेच अमरावती मतदार संघाचे आमदार रावसाहेब शेखावत यांच्या आशीर्वादाने आज पदग्रहणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आमच्या स्वाभिमानी परिवाराच्या वतीने बडनेरा नगरीतील सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्या सर्वांच्या महिला आमच्या कार्यकर्ता यांच्या त्या उपस्थितीमध्ये आज पार पडला। आज विधी व न्यायाची जी जबाबदारी आहे सभापतीची ही पार पाडित असताना या अमरावती शहराला एक न्याय देण्याचं काम केल्या जाईल आणि एक पारदर्शकता ठेवून अमरावती महानगरपालिकेमधील जे काही महत्त्वाचे जे काही निर्णय आहे ते घेत असताना सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही निर्णय समितीच्या समोर संपूर्ण गोष्टी त्या ठिकाणी ठेवून पारदर्शकता ठेवून स्वच्छ प्रशासन देऊन त्याच्यामध्ये न्याय देण्याचं आम्ही काम करू। या अमरावती शहरामध्ये विविध मोठमोठे चौक आहे, मार्ग आहे, राजमार्ग आहे, या राजमार्गांना अनेक राजमार्गांना आजपर्यंत नाव दिल्या गेलं नाहीत। आम्ही सर्व सन्माननीय नगरसेवकांच्या माध्यमातून या अमरावती शहरातल्या प्रत्येक राजमार्गाला नाव देऊन त्या ठिकाणी त्याचं नामकरण करण्याचं एक फार मोठं कार्य या ठिकाणी केलं जाईल। या विधी समितीच्या माध्यमातून शहरातील बडनेरा शहर अमरावती शहरातील सर्व जे नामवंत चौक आहे त्या चौकाला नामकरण करून त्या ठिकाणी पाट्या लावून आणि राजमार्गाचं सुद्धा नामकरण करून
हा एक अभिनय कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी या सभापती आणि सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या वतीने घेत आहोत। शुक्रवार की सुबह महानगर के मालटेकड़ी पर एक व्यापारी की लाश पुलिस ने बरामद की। यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुंती पुलिस के ही कर्तृत्व की वजह से उलझ कर रह गई। फैजलपुरा पुलिस घटना की जांच कर रही है। शुक्रवार की सुबह 6 बजे महानगर के मालटेकड़ी पर सिंधु नगर निवासी 35 वर्षीय बेंटेक्स के व्यापारी सुशील घनश्याम आहूजा की लाश अधजले अवस्था में पाई गई। घटनास्थल पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने ये लाश देखते ही उसे बटोरने का काम किया। हालांकि इसकी पूर्व सूचना फ्रेजरपुरा थाने और थानेदार को देना जरूरी था, पर पुलिस कर्मियों की नादानी की वजह से घटनास्थल का पंचनामा व्यवस्थित नहीं हो सका। डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पूरे 2 घंटे देरी से पहुंचा और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी। हालांकि घटनास्थल के आवाज के दूरी पर ही पुलिस मुख्यालय है ये विशेष। आनंद फानन में हुए पुलिस या कार्रवाई की वजह से ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी उलझ कर रह गई। घटनास्थल से पेट्रोल की कैन, अधजले कपड़े, मृतक का मोबाइल, पैन कार्ड आदि साहित्य पुलिस ने बरामद कर आगे जांच शुरू कर दी है। पुलिस थानेदार सत्यनारायण जायसवाल ने ये जानकारी सिटी न्यूज को दी और यह भी बताया कि ये 40 फुट ऊंचाई से नीचे कैसे आया, क्या इसे किसी ने ऊपर से जलाकर धकेल दिया, इसकी भी जांच जारी है। श्री जयराम जी आहूजा जलगांव खानदेश के हैं ये। इनकी डेड बॉडी मिली जलाए हुए स्थिति में, इनको दूसरी तरफ जलाया गया है और बॉडी इधर दिख रही है और जलाने का ठिकान दूसरी तरफ है। तो वहाँ एक डबकी मिली है पेट्रोल की, उससे लगता है किसी ने जलाया है, तो मर्डर का गुना दर्ज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। प्राइमर किसी क्या लगता है, पहले मर्डर हुआ फिर जलाया है? नहीं, अभी नहीं बता सकते, पर वो जलने से उनकी मौत हुई है ऐसा प्राइमर किसी क्या लगता है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 8 साल पूर्व मृतक उसके परिवार सहित अमरावती आया था और वह शहर के तहसील के सामने वाले मार्केट में रोजल नामक दुकान से बेंटेक्स के साहित्य बिक्री का व्यापार करता था। जानकारी यह भी है कि सुशील पूरी तरह कर्जे में डूबा था और घटना के दिन भी उसके घर महेश नामक व्यक्ति उससे मिलने आया था, जिससे मृतक की हत्या की गई ऐसा अनुमान है। मालटेकड़ी ये महानगर का आकर्षण है। सुबह यहाँ कई नागरिक टहलने आते हैं और इस मालटेकड़ी पर सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति भी है, पर यह सुरक्षा रक्षक हमेशा ही नदारद रहते हैं। इस पर कठोर कार्रवाई होगी, ऐसी भूमिका महापौर सौ वंदना कंगाले और पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने दी है। पुलिस इस घटना की गुत्थी कैसे सुलझाती है, इस पर नजरें बनी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव में हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शुक्रवार को शहर का मौसम सामान्य रहा। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 48 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को बारिश होने के संकेत है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, आत्मनियंत्रण से असीम नियंत्रण शक्ति प्राप्त होती है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
माल्टिकली पर मिली व्यापारी की लाश, पुलिस के हरकतों से गुत्थी उलझी। हत्या या आत्महत्या, पुलिस असमंजस में। एसटी रोककर कंडक्टर को पीटा, घटना साईनगर की। तीन आरोपी गिरफ्तार। क्यों हर बार राजनीति में उलझ कर रह जाती है समस्याएं। चुनावी खिचड़ी पकाने की जोड़ तोड़ में शहर लगा दांव पर। हाई प्रोफाइल शादियों को चालान करेगा आयकर विभाग। और 30 रुपए में मिलता है जाली नोट। 16,000 करोड़ के जाली नोट है बाजारों में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, 77 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। या आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स